हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई द्वारा क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया गया था, उस फॉर्मूले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है और फाइनली ये क्राइटेरिया डिसाइड हो गया है कि किस आधार पर क्लास 12th के बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो फॉर्मूला है 30 30 और 40% के आधार पर जो है बच्चों को पास किया जाएगा। और ये 30 30 और 40 का फॉर्मूला क्या है, चलिए दोस्तों उसको अब हम समझ लेते हैं। तो क्या है 30 30 और 40 का फॉर्मूला? 30 30 और 40 का जो वेटेज का फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें क्लास 10th के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर 30%, 11वीं के आधार पर 30% और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो क्लास 12th में जो नंबरों के वेटेज दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर्स के 60% मान लेते हैं और क्लास 12th में जो 40% वेटेज बच्चों को दिया जाएगा और इस आधार बच्चों को नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इन जो 30 30 और 40% का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो किस आधार पर दिए जाएंगे, कैसे नंबर दिए जाएंगे बच्चों को, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सीबीएसई ने कहा है कि सीबीएसई ने कहा कि 10वीं की 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे अंकों को लिया जाएगा और इसी तरह 11वीं के 5ों विषय का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। कक्षा 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे बनाए जाएंगे बच्चों के और इसी आधार पर बच्चों को पास किया जाएगा। तो सभी बच्चे के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है भी दोस्तों, जो बच्चे इस रिजल्ट से नाखुश होंगे या उन्हें लगेगा कि हम इससे अच्छे नंबर ला सकते थे, तो सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए और अपने आप को आंकने के लिए। ठीक है, ये है, यहाँ तक समझ गया। अब दोस्तों, सीबीएसई ने ये भी कहा है कि जो कमेटी बनाई गई, यानी सीबीएसई ने को कहना है कि प्री बोर्ड में स्कूलों का जो है वो अपने बच्चों को ज़्यादा नंबर देने की जो परंपरा रही है, उसके आधार पर कि जो स्कूल हैं वो ज़्यादा नंबर बच्चों को ना दें, किसी को ज़्यादा ना दें, तो इस आधार पर कमेटी का गठन किया गया है। तो इसके आधार पर जो कमेटी बनाई गई है दोस्तों, तो स्कूलों के छात्रों के फाइनल मार्क्स को बोर्ड को 15 जुलाई तक क्या करना है, जमा करना है और हर स्कूल में 5 सदस्यों की कमेटी गठित की जाएगी और इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कौन होंगे दोस्तों, प्रिंसिपल और कक्षा 12 में पढ़ाने वाले 2 शिक्षक होंगे। इसके अलावा पास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12 को पढ़ाने वाले 2 शिक्षकों को भारी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों, कमेटी के माध्यम से तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चों के साथ अनफेयर ना हो, सभी बच्चों को इक्वलाइजेशन के आधार पर नंबर दिया जाए, परफॉर्मेंस बेस्ड नंबर हो, ऐसा ना हो कि किसी बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दिया जाए और किसी बच्चों को कम नंबर दे दिया जाए। ये फैसला सीबीएसई द्वारा लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से बच्चों का सवाल है कि सर, अगर हम तीनों सालों के क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो नहीं कर पाते या उसके आधार पर हम पास नहीं हो पाते तो हमारा क्या होगा? तो इसके लेकर भी जो है बोर्ड ने सुझाव दिया है कि इफ़ अ स्टूडेंट्स इज़ अनेबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, तो दोस्तों वो जो क्या होंगे, वो इसेंशियल रिपीट करेंगे और कंपार्टमेंट कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे द्वारा जो है तीनों सालों में अच्छे नंबर या पास नहीं हुआ होगा, तो हर बच्चे ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। तो जो बच्चे तीनों सालों में कुछ ना कुछ जरूर किए हैं वो ज़रूर पास होंगे क्लास 12th में, तो आपको पता ही आपने कितना किया है। तो बच्चों को निराश होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन है तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को सीबीएसई जो है ये अपने नोटिफिकेशन द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दी कि वो जल्द ही इसके आधार पर नोटिफिकेशन सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे दोस्तों, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया कि किसी बच्चे को अब फेल नहीं किया जाएगा, यानी किसी बच्चे के साथ अनफेयर नहीं होगा। यदि जो बच्चे जो हैं, कुछ ही परसेंट बच्चे जो हैं तीनों सालों के जो क्राइटेरिया है इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को कंपार्टमेंट और रीअपेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और उन अगर यदि बच्चे पेपर देना चाहते हैं तो सीबीएसई उन बच्चों का पेपर लेगी स्थिति के सामान्य होने के बाद। ठीक है, अब ये हो गया। लेकिन दोस्तों, इसमें हमारे पास सबसे बड़े सवाल ये भी हैं। सवाल ये दोस्तों कि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यदि वो सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा बनाए गए निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो उनका एग्ज़ाम कब होगा? तो इसको लेकर अभी सीबीएसई द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, राइट?
सीबीएसई बोर्ड ने भी डिसाइड कर दिया कि 20 से लेकर 31 जुलाई तक जो है वो क्लास 12th के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, रिजल्ट आ जाएंगे और इसी आधार पर जो है कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब मान लेते हैं जो बच्चे क्लास 11th और 12th और 10th जो के आधार पर जो नंबर दिए जाते हैं सरकार द्वारा क्राइटेरिया के माध्यम से, यदि उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उन बच्चों का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट कब आएगा, इसके लेकर किसी प्रकार की इस घोषणा भी सीबीएसई द्वारा नहीं की गई। ये बच्चों में एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का माहौल, ये सबसे बड़ा प्रश्न भी है। और कॉलेज में फिर एडमिशन किस आधार पर मिलेगा, क्योंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया दोस्तों वो फर्स्ट ऑफ वीक अगस्त से स्टार्ट हो सकती है, और यदि बच्चे जो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते और सरकार के बनाए हुए रिजल्ट से नाखुश है, तो उन बच्चों के लिए क्या सीबीएसई है कॉलेजों में सीटें रिजर्व रखेगी कि जो बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। रिजल्ट से संबंधित और भी कोई डाउट है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आप सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।